नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 31 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको बताया कि सरकार की तरफ से तमाम फैसले लिए गए 31,000 के बारे में लगातार आपको यहां से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले और सरकार का आदेश था कि 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन ऐसे में फिलहाल आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, तो ऐसे में आपको यहाँ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि जो शिक्षकों की काउंसलिंग और साथ में आवंटन का जो मामला था फिलहाल निरस्त हुआ है। आगे क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि 31,661 को लेकर विवाद जारी था, कई इसके अंदर फर्जीवाड़े वाले अभ्यर्थियों के मामले देखने के लिए मिल रहे थे। इसी को लेकर शासन स्तर पर लगातार तमाम नोटिफिकेशन जारी हुए और उन नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कहा गया कि किसी भी जनपद के अंदर अगर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है तो उनकी जांच की जाए और ऐसे में उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र वापस ले लिए जाएँ। तो तमाम जाँच आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे में आज मीटिंग भी हुई है, मीटिंग के अंदर भी सेम दिशा निर्देश दिए गए। तो मीटिंग के बाद में यहाँ पे एक फैसला देखने के लिए मिला है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 26/10/2020 का ये आदेश है। निरस्तीकरण का आदेश दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है 23/10/2020 को निर्गत काउंसलिंग दिनांक 27/10 और साथ में 28/10 को जो होने वाली थी उसको लेकर उच्च अधिकारियों के साथ में जो निर्देश मिले हैं उनके क्रम में फिलहाल इसको निरस्त किया जाता है। तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि कार्यालय द्वारा निर्गत जो पत्र दिया गया था उसके माध्यम से अगर हम देखें तो ऐसे में फिलहाल जौनपुर के अंदर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है कि निरस्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और सभी नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा, साथ में अपनी वेबसाइट पर डलवा दूंगा, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को यहां से समस्या नहीं होगी। तो जौनपुर के अंदर तो यह कहा गया कि निरस्त हो गए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो कि कवि नगर का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर स्पष्ट तौर पर आपको जानकारी दी गई है कि 27/10 को जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, माफ़ कीजिए, ऐसे में उसको स्थगित किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव करके 29/10 और साथ में 29/10 को आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब तीनों 29 तारीख को ही होंगे। तो कई जगहों पर अलग अलग नोटिफिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में आपको तमाम नोटिफिकेशन देखने पड़ेंगे। साथ ही बाराबंकी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 26/10/2020 आप सभी के सामने आ जाता है। 27/10/28/10 को जो काउंसलिंग और साथ में विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम था उसको निरस्त करके अगली जो तारीख है वो आपको देखने के लिए मिल रही है 29 और 30 को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 31,000 के अंदर चयनित हैं वो एक बार जाने से पहले तमाम नोटिफिकेशन को देख लें। अलग अलग जगह के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग सूचनाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं बरेली की बात करें यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि 27 और 28 को जो काउंसलिंग होने वाली थी वो फिलहाल निरस्त करते हुए नवीन समय सारणी आप सभी के सामने आ जाती है 29/10 साथ में 30/10 आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो दोस्तों लगभग मैंने कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखा दिए हैं बरेली वगैरह या फिर अन्य के जो जारी हो गए, बाकी जो और भी जारी होंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर साथ में वेबसाइट पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो काउंसलिंग निरस्त करने का आदेश आपको देखने के लिए मिलता है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आदेश है वो दिए गए मीटिंग के बाद, क्योंकि इससे पहले लगातार सरकार की तरफ से तमाम आदेश दिए गए जांच के बारे में, तो इसी वजह से आपका फिलहाल यहाँ से शेड्यूल निरस्त करते हुए नई तारीखें आपको देखने के लिए मिल गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 अभ्यर्थी को नियुक्ति अभियान आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी 37,339 से संबंधित हैं घरों से बाहर अवश्य निकलें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लगातार आप सभी को इसी प्रकार अपनी जो आवाज़ है बुलंद करनी है, जिससे कि आप सभी को जल्द सफलता मिले जैसे कि 31,000 शिक्षकों को मिली है। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।